दुनिया को हम हासिल करना चाहते हैं उसकी कोई सीमा नहीं। कोई ऐसा किनारा नहीं है जिसे अंधेरे में तैरकर पार ना किया जा सके। इंसान को सिर्फ ज्ञान की रोशनी हासिल करने के लिए ही कोशिश करनी चाहिए और अपने रास्ते से भटकना नहीं चाहिए। हालांकि इसे हासिल करने के लिए हमें अपने अंदर के अंधकार का सामना करना पड़ेगा। सैनिकों, कप्तान मैगलन, आज महाराज बहुत व्यस्त हैं, वो नहीं मिल सकते और आज की सभा का समय भी समाप्त हो चुका है। ठीक है, मैं कल आता हूं। तुम बात समझ नहीं रहे हो, महाराज तुमसे मिलना ही नहीं चाहते। महामंत्री, मैं महाराज के लिए 20 साल तक लड़ा हूं, केननौर, मलक्का, मोरक्को में। जानता हूं, उसके लिए हम तुम्हारे आभारी भी हैं। आभार ऐसे प्रकट करते हैं? कप्तान, जब भी आप महाराज से मिले हैं, आपने अपनी बातों से हमेशा उन्हें क्रोधित किया है। मैं अपने सम्मान को बचाने और अपना अधिकार मांगने ही आया हूं। मैं क्षमा चाहता हूं। महामंत्री, मैं सिर्फ मांगने ही नहीं, कुछ देने भी आया हूं। वो है अनगिनत धन राशि की खोज का प्रस्ताव। ये बात लिख कर दे दीजिए, अगर ये प्रस्ताव मुझे अच्छा लगा तो मैं महाराज को सूचित कर दूंगा। महाराज मुझसे मिले तक नहीं। मैंने इस खोज पर अपने जीवन के 2 साल लगाए हैं। मैंने ज्योतिषियों, चालकों और चित्रकारों से बातचीत की है, लेकिन मेरे राजा मुझसे मिलना तक नहीं चाहते। ये खोज बहुत बहुमूल्य हो सकती है, जो इतिहास में लिखी जाएगी। ये रहा रास्ता, बस हमें पार ही तो करना है और देखना फिर हम यहां पहुंचेंगे फर्नांडो, और फिर यहां खजाना लाद कर वापस आएंगे और शायद तब महाराज को मेरी कीमत का एहसास होगा। फर्नांडो, चलो थोड़ा आराम कर लो, आ मेरे साथ चलो। फर्नांडो, इसलिए मुझे कोई ऐसा राजा ढूंढना होगा जो मुझे समझ सके। नहीं, मेरी बात सुनो, इससे तुम पर देशद्रोह का आरोप लगेगा। लगने दो आरोप, मैं स्पेन जाऊंगा। मैं अपने पिताजी और भाई से बात करती हूँ।
महाराज चार्ल्स की राज्यसभा में उनकी अच्छी जान पहचान है। स्वागत है। नाविकों के लिए तुम्हारे पास क्या है? तो देखो तो पहले बताओ मुझे क्या मिलेगा? क्या? बटन, ताले और लोहा। और लोहा अलकानो का है? वो मर चुका है। मर चुका है? कहाँ जा रहा है? अलकानो, तुम्हारा स्वागत है। क्लेमेंसियो, इतने दिनों बाद देखो मुझे क्या मिला है। अबे चूहे, इधर आ। मैं तुम्हें 6 महीने बाद देख रहा हूँ अलकानो। बिल्कुल। क्या ये मेहनत रंग लाई? पहले संदूक खोलो, तभी पता चलेगा ये मेहनत रंग लाई है या नहीं। मक्खी चूस। क्या कहा? अरे क्लेमेंसियो, तुम्हारी बीवी वहाँ क्या कर रही है? नहीं नहीं नहीं, नहीं वो तुम्हारी बहन है। हमारे लिए बस इतना ही, पुलिस वालों से बात करते। नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, शायद शायद हमारे बीच कोई सौदा हो सकता है। सही कहा। Un pobre viejo vino a embarcar. 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 Dijo señor, yo quiero embarcar. Dijo señor, yo quiero embarcar. Para ver el mar y su inmensidad. Venga, fantastic. Pero el capitán le impidió subir. El capitán le impidió subir. Y viene el pintor, era infeliz. Capitán, 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 ये लीजिए, ये लीजिए, ये भी लीजिए। समंदर के नाम और हमारे कप्तान के नाम, ये जाम समुद्र के नाम, क्योंकि यही हमारे जीवन को खुशी और सुख में भर देता है। बस बहुत हो गया। तुम साले सबके सब हरामखोर हो।
बहुत मजे लूट रहे हो अलकानो। क्यों बे हरामजादे, कप्तान बनने का ज्यादा ही शौक है, है? परंतु तू एक बात भूल गया, हमने तुझे ये पैसा जहाज खरीदने के लिए दिया था, याशी के लिए नहीं है। हमें वापस करने की जगह तूने सारा पैसा साथियों में लुटा दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास इसके लिए एक और रास्ता है, हम तेरा जहाज ही रख लेते हैं। नहीं, वह दरिया मेरा ही नहीं है, महाराज का भी है। बिल्कुल सही कहा, जब सुबह का सूरज निकलेगा और न्यायाधीश को पता चलेगा कि तूने उनका जहाज बेच दिया तो तेरा सर और भी ज्यादा दर्द करेगा। इतना समझ लो कि महाराज चार्ल्स बहुत ही महत्वाकांक्षी नौजवान है। अगर पुर्तगाली होने की वजह से वो दुत्कारे तो कहना कि तुम स्पेन के सम्मानीय परिवार की बेटी मेरी बहन बिट्रिस के पति हो। उन्होंने स्पेनियो आती है। आज की सभा समाप्त हो चुकी है, अब हमारे महाराज यात्रा पर जा रहे हैं। वापस कब आएंगे? 3 हफ्ते या फिर 1 महीने बाद। वो हमारे कप्तान फर्डिनेंड मैगलन है। आप तो मेरी बात सुननी होगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैं आपको आज तक का सबसे बड़ा प्रस्ताव देने आया हूँ। निकालो इसे यहाँ से। महाराज सुनिए, मैं आपको दुनिया का सबसे धनवान राजा बना सकता हूँ। रुक जाओ, छोड़ो मुझे। इंडीज और उसके खजाने तक पहुंचने का एक छोटा रास्ता है, पश्चिम का रास्ता। अनुमति हो तो ये देखिए, नए अमेरिका की धरती दक्षिण में खत्म नहीं होती। एक रास्ता है जो दूसरे बड़े समुद्र से मिलता है और मसाले वाले द्वीपों तक पहुंचता है। अगर एक बार यह रास्ता खुल गया तो इंडीज के साथ स्पेन के व्यापार का रास्ता खुल जाएगा और इससे अथाह धन की बरसात होगी। लेकिन हम भरोसा क्यों करें, वो भी एक पुर्तगाली पर? मेरे राजा ने मेरे ज्ञान को नकार दिया, इसलिए मैं उसकी खोज में हूं जिसे मुझ पर भरोसा हो। तुम चाहते हो हम तुम पर भरोसा करें? जी बिल्कुल, लिस्बन के खजाने में मेरा बरसों तक आना जाना रहा है। आप मेरा यकीन मानिए, ये वो जगह है जहां सालों से हो रही पुर्तगाली खोजों के दस्तावेज और नक्शे रखे जाते हैं। ये रास्ता कहां है ये जानने के लिए मैंने सालों तक हिसाब किताब और खोज की है। तुमसे पहले भी बहुतों ने प्रयास किया था लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये रास्ता है ही नहीं। बिल्कुल है महाराज, बिल्कुल है। अगर आप मेरे सर पर हाथ रखते हैं तो मैं आपके लिए खोज सकता हूं। इससे पहले आप कितनी खोजों पर जा चुके हैं कप्तान? एक भी नहीं, लेकिन यात्राओं का कई सालों का अनुभव है। मैं कई बार अफ्रीका और इंडिया के दौरे पर जाकर आ चुका हूं। महाराज, अगर इस आदमी को पहले किसी खोज का अनुभव नहीं है तो मेरा मानना है कि इस पर भरोसा करके इस खोज पर इतना धन लगाना ठीक नहीं होगा। महाराज, मसाले सोने से भी ज्यादा मूल्यवान हैं। हम जायफल, अगरबत्ती और लौंग से अपने जहाज भरकर वापस लौटेंगे। उससे जितना धन आपके खजाने में आएगा उसकी तुलना में खोज पर लगाया धन कुछ भी नहीं होगा। स्पेन पुर्तगाल से कहीं अधिक अमीर हो जाएगा। मुश्किल है पर सफलता जरूर मिलेगी, उस पर भरोसा कीजिए।
बदले में तुम्हें क्या चाहिए? इतिहास में यह खोज मेरे नाम लिखी जानी चाहिए। श्री, इसके सिवा तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए? इसमें होने वाली कमाई का 5% मुझे और मेरी पीढ़ियों को मिलना चाहिए। तुम्हें इस साम्राज्य और राजा के प्रति निष्ठा की कसम उठानी होगी। बिल्कुल। और हम जो शर्तें लागू करेंगे उन्हें तुम्हें मानना होगा। मुझे स्वीकार है। क्या हमें मजे देगा? क्या तुझे दो लोगों का अलग ही मजा आएगा। थोड़ी देर की बात है। तुम्हारा नाम क्या? Juan. Juan. तुम हो कहां से Juan? वो कहते हैं मैं संतानर से हूं, पर मुझे नहीं पता। माँ बाप कौन है ये भी नहीं जानता। और तुम यहां कैसे पहुंचे? ठोकर लग गई। जब मैं मुर्गी चुरा कर भाग रहा था। कप्तानों, महामंत्री, मुझे अभी अभी महाराज और इंडी समिति की ओर से आज्ञा मिली है। कप्तान मेंडोजा, जहाज विक्टोरिया की कमान आपके हाथ में है। कप्तान कसादा, आप कंसेप्शन का नेतृत्व करेंगे और कप्तान कार्तहीना, सैन एंटोनियो का भार आप पर होगा और इस खोज में स्पेन के शाही निरीक्षक आप रहेंगे। याद रहे, इस पूरी यात्रा के दौरान स्पेन के साम्राज्य और महाराज के हितों की रक्षा का दायित्व सिर्फ आपके कंधों पर रहेगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। और दूसरे जहाजों का क्या? कप्तान सेरानो जहाज सेंटियागो के सेनापति होंगे और मैगलिन ट्रिनिदाद और इस खोजी दस्ते का नेतृत्व करेंगे। हमारे महाराज ने एक पुर्तगाली पर भरोसा तो कर लिया है, लेकिन हम जानते हैं कि पड़ोसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नहीं, हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं महामंत्री। जो अपने राजा के प्रति निष्ठावान नहीं हो सका, वो हमारे प्रति निष्ठा कैसे रख सकता है? सब हैरान थे, सब के सब, और सबकी आंखें उल्लू जैसी बड़ी हो गई थी। आप लोगों को वहां होना चाहिए। और वो दो बड़ी बड़ी आंखें किसकी थी? वहाँ उल्लू की तरह मैंने वो लोग खड़े थे, बिल्कुल उल्लू लग रहे थे। तुम्हारी ये योजना सुनकर लोग तो दंग रह गए थे। दंग तो होने ही थे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद डिएगो। आपके कारण ही राज्यसभा में जाना हो पाया। डॉन डिएगो के नाम। अच्छा, यात्रा पर हम कब तक निकलेंगे? ट्रिनिदाद के लिए चालक, दर्जन भर नाविक और हम जाने के लिए तैयार। फर्नांडो, थोड़ा ध्यान रखना। अफवाह है कि कार्टेगन और मेंडोजा एक पुर्तगाली को इस खोज का श्रेय नहीं लेने देंगे। पिताजी, बहन, तुम चिंता मत करो। यदि उन्होंने कुछ गड़बड़ की
तो उन्हें हमारी तलवारों का सामना करना पड़ेगा। यदि तुमने ऐसा किया तो सब तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। हम चौकन्ने रहेंगे। बिल्कुल चिंता ना करो पीट्रीज। चिंता कैसे ना करो, मेरे पति और भाई यात्रा पर निकल रहे हैं, पता नहीं वापस लौटेंगे भी या नहीं। हम वापस जरूर आएंगे। तुम्हारे पति के कंधों पर ही तो सारा दायित्व तो निर्भर करता है और सारा श्रेय भी तो इसी को मिलेगा। जब जीवित ही नहीं रहेंगे तो ये सारा श्रेय किस काम का, आप ही समझाइए मुझे। रुको, मेरे साथ खींचना। एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, एक, दो। कप्तान फर्डिनैंड मैगलन, मेरा नाम एंटोनियो डी पिगाफेटा है और मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। तीन। मुझे इसके लिए एक अनुभवी नाविक और चालक चाहिए और तुम में ये दोनों खूबियां बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। एक, दो, मुझे महाराज लियो ने अनुमति दी है इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक, दो, तीन। कप्तान, मैं बहुत सी बोलियों का जानकार हूँ। एक, दो, तीन। एनरिक मालक्का से है, भाषाएं तो इसे भी आती है। एक, दो, तीन। अरे थोड़ा ध्यान से। कप्तान, दुनिया में हुए बड़े बड़े कारनामे बेकार है अगर उन्हें बताने वाला कोई ना हो। मैं आपके बारे में सब कुछ लिखूंगा ताकि लोग उसे पढ़ सके। नाम बोलो। अगस्तीनो काया। स्पेन से हूँ। सिविल से हूँ सर। हम जा रहे हैं ना? क्या तुम भी कप्तान की तरह जेल जाना चाहते हो? नहीं नहीं, तो आगे चलो। घबराना नहीं, सब कुछ सीख जाओ। नींद से जागो। हाँ। आगे बढ़ो। मेरा नाम उमार है। पचीतो। अहितो। पचीतो। स्वागत है। धन्यवाद। चलो आगे बढ़ो। दोस्त माफ करना। देख के नहीं जा सकते? अरे तुम कौन हो? तुम कहाँ से आए हो? उस कश्ती पे जाने वाले हो? अच्छा, उनके साथ जाओगे? अरे तुम नए आए हो क्या यहाँ पर? अच्छा रुको, हम एक काम करते हैं। मैं तुम्हें एक ये सिक्का दे रहा हूँ, मदिरा पी लेना। तुम देखो,
एक सेवक के लिए अपनी जान को खतरे में क्यों डाला? ये आदमी भी स्पेन के महाराज की सेवा में है, तुम्हारी और मेरी तरह। इसको यहाँ कसकर बांधा, फिर उसको उस तरफ ले जाओ, ठीक है? इसे मेरे कमरे में रख दो। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? जी मैं ठीक। रुको 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 रुको, तुम कहाँ से हो? मैं महान रोमन साम्राज्य से हूँ। हाँ ठीक है, जा। कप्तान ये लीजिए, इनमें से आधे स्पेन से हैं और बाकी इटली से, फ्रांस से, पुर्तगाल से, ग्रीस से और दो जर्मनी से, तो कुल मिलाकर 237 लोग हैं। बहुत बढ़िया, बिना काम काज वाले और कानून के भगौड़े। हाँ अब यही लोग हैं, हमारा काम निकल ही जाएगा। यदि दुनिया में उनके या हम जैसे पागल लोग न होते तो ऐसी यात्रा पर कौन जाता है? अरे सुनो, यहाँ आओ। अब भी हमें एक चालक चाहिए। जी आ जाओ दोस्तों, चलो जल्दी आओ। तू बहुत आराम कर लिया, उठ जा। छोड़ो उसे। यही है वो। मैं कप्तान फर्नांडो डी मैकलन हूं। लगता है तुमने महाराज को क्रोधित कर दिया है। तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव लाया हूं। लगता है बहुत से लोगों ने तुम्हारा प्रस्ताव नकारा है, तभी यहां मेरे पास आए हो। मेरी चुनौती पर खरा उतरना कायरों के बस का नहीं है। फिर आप पुर्तगाली भी हो? इतनी हिम्मत। अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो मुक्त कर दिए जाओगे और सारे कर्ज माफ। सुनने में आया है कि तुम्हें जहाज चलाना खुद वेस्पुची ने सिखाया था और इसलिए तुम एक बढ़िया चालक हो, क्या ये सच है? नहीं। तुम्हें जहाज चलाना आता है या नहीं? चलाना तो आता है, पर कप्तान बनकर। कप्तान? बिना जहाज का कप्तान? महाराज ने इस खोज के लिए कप्तान पहले ही चुन लिए हैं और हम खजाना भरकर वापस लौटेंगे। जहाज तब खरीद लेना, इच्छा तुम्हारी, समुद्र या कारागार। मुझे अपने लोगों से बात करनी होगी, देखते हैं वो मानते हैं या नहीं। वो पहले से ही हमारे साथ है, क्या लगता है हमें तुम्हारा ठिकाना किसने बताया? कप्तान, मुझे एक सहायक चाहिए। आप यहां क्यों आए? मैं इतनी दूर पुर्तगाल के महाराज की ओर से आपके लिए संदेश लेकर आया हूं कि आप ये तामझाम छोड़कर जल्द से जल्द लिस्बन पहुंच जाएं, यही उनका आदेश है। हो सकता है महाराज आपकी इस भूल को क्षमा कर दें। क्षमा तो मैं चाहता हूं, मैं स्पेन के महाराज को वचन दे चुका हूं। किसी शत्रु देश के राजा के लिए काम करना अपने देश के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होता है। मैं अपने देश के लिए 20 सालों तक लड़ा, पर बदले में महाराज ने मुझे क्या दिया? सिर्फ धुतकार। अपनी कीमत बताओ, बोलो कितना धन लोगे ये सब पागलपन छोड़ने के लिए? आप समझ नहीं रहे, मैं किसी इनाम या धन के लालच में अपने सपने को नहीं छोड़ सकता। अच्छा होगा मेरे घर से निकल जाए। सोच लो फर्नांडो, दोबारा सोच लो।
तुम्हें क्या लगता है कि वो सारे स्पेनिश कप्तान तुम जैसे एक विदेशी कप्तान पर भरोसा करेंगे? क्या लगता है वो तुम्हारा ये सपना पूरा होने देंगे? निकल जाओ यहाँ से! याद रखना, तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। चले जाओ यहाँ से। बचोगे नहीं तुम। क्या कहा था उसने? कह रहा था कि तुम्हें समझाऊं, लेकिन मैंने कहा तुम एक इज्जतदार आदमी हो और हर कीमत पर अपना वादा निभाते हो। इस यात्रा के लिए जितनी तैयारी और हिसाब किताब तुम कर सकते थे सब तो तुमने कर ही लिया है। तो इसके पैदा होने तक रुक जाओ। काश इसके पैदा होते समय मैं तुम्हारे साथ होता, पर मैं नहीं चाहता कि महाराज अपना इरादा बदल दे। मैं नहीं रुक सकता। जिस रास्ते की तुम्हें उम्मीद है अगर वो रास्ता हुआ ही नहीं तो हम नया रास्ता अवश्य ढूंढ निकालेंगे। हम मसालों के उन द्वीपों तक पहुंचेंगे और वो जीवन जिएंगे जिसकी चाह हम दोनों को है। मेरा इंतजार करना। मैं वादा करता हूँ कि मुझे जितना भी धन मिलेगा उसे खेत खरीदूंगा और तुमसे शादी कर लूंगा। तुम हंस क्यों रही हो? पहले भी किसी ने ऐसा ही वादा किया था लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। मैं 6 महीने प्रतीक्षा करूंगी। अच्छी सी भेंट लाना ताकि प्रतीक्षा का मुझे दुख ना हो। अल्कानो, आपको देखकर खुशी हुई कप्तान। मैंने कहा था ना ये आएंगे। मैंने कहा था ना यार वापस आएंगे। सब लोग इससे मिलो, ये हुआ ना हमारा नया साथी। क्या कहते हो दोस्त? मदिरा पियोगे? पियो, अरे मजे करो। ये लो, ये लो, मजा आएगा। और पिला। पियो हुआ। शर्मा मां, क्या तुम भी हमारे साथ चल रहे हो? हम तुम्हारे बिना कैसे जाएंगे? De mí, pues, ¿qué harán los hombres que tienen tiernos los corazones? Desde que me vi la mar afuera,
pensando no volver más a ella. Alcé mis ojos, miré a mi tierra. Si los delfines mueren de amores, si los delfines mueren de amores, triste de mí, pues que harán los hombres. तैरना तक नहीं आता, मुझे भी नहीं आता। चलता हूं, आपको चलो, ध्यान रखना। मैं जल्द से जल्द वापस आने का प्रयास करूंगा। सभी यात्री सवार हो जाएं। चलो आ जाओ। इससे हमेशा हम तुम्हारी यादों में बसे रहेंगे। इसे संभालना, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। चलो चलो, जल्दी करो, निकलने का समय हो चुका है। अपना ध्यान रखना। Levante mi madre al salir el sol. फर्डिनेंड मैगलिन, इस खोज पर आप अपना हर एक निर्णय, इस खोज के लिए तैनात शाही निरीक्षक डॉन हुआन कार्तहीना के साथ साझा करेंगे। लेकिन इस खोज का नेतृत्व तो मेरे कंधों पर है। सेनापति, आपने महाराज का हर आदेश मानने का वचन दिया था और ये महाराज का ही आदेश है।
महाराज को सूचना दे दो कि फर्नांडो ने हमारी बात मानने से मना कर दिया। धमकी का भी असर नहीं हुआ? वो पागल हो चुका है। उस पर अपनी बात साबित करने की धुन सवार है कि कोई नया रास्ता भी है। अब वो अपने मकसद से पीछे नहीं हटेगा। वो रास्ता उसे मिल गया तो मसालों के कारोबार की डोर स्पेन के हाथ में चली जाएगी। हमें कुछ करना होगा, चुप नहीं बैठ सकते। पहले ही कर चुका हूँ, सेना को सूचना भेज दी है। ये तो घास के ढेर में सुई खोजने जैसा होगा। जहाज पर कोई गुप्तचर होगा तो आसानी होगी।